हेलो फ्रेंड्स मेरे एंड वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनालिस करेंगे का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें फिंगर्स के, तो के सेटिंग को एंडाउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैंड का जो अनलिसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सा ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वा शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं जो इंडिकेट करती हैं काफी मिलनसार पर्सनालिटी को ऐसे व्यक्ति की नेचर काफी अच्छी रहती है दूसरों के साथ किस तरह से बात करनी है तहजीब से बात करनी है उस चीज की काफी जो नॉलेज ऐसे व्यक्ति को रहती है और अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की थिकनेस की तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी थिक फिंगर्स नजर आ रही हैं फिंगर्स का थिकनेस में होना अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को इंडिकेट करता है शनि फिंगर की बात की जाए तो यह जो मिडल फिंगर है इसको हम शनि की फिंगर कहते हैं इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफी मेहनती नेचर के होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं और, अगर बात करें इनकी सूर्य फिंगर की और गुरु फिंगर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई जो है वो लगभग एक समान नजर आ रही है दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना और फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी अच्छी आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक क्वालिटीज क्वालिटीज रहेंगी नेटिव के भीतर सूर्य फिंगर की की लेंथ वजह से आती है यह है जो फिंगर है अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव का सोशल सर्कल काफी अच्छा रहता है और समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी मिलता है और आर्टिस्टिक यानी कि क्रिएटिव क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी रहती हैं और जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो नेटिव के भीतर गुरु फिंगर की वजह से आती हैं यह फिंगर अगर थिकनेस में अच्छी हो बिल्कुल स्ट्रेट हो यानी कि इस फिंगर का झुकाव इधर उधर ना हो रहा हो शनि फिंगर की तरफ ना मुड़ रही हो बिल्कुल सीधी हो तो ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी रहती हैं अब बात करते हैं कि मर्करी फिंगर की मर्करी फिंगर को अगर चेक किया जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है अच्छी लेंथ में है खासतौर पर मर्क्री फिंगर की लेंथ को हम यहां से चेक करते हैं जो ज्वाइंट रहता है सूर्य फिंगर का अगर इस ज्वाइंट को भी यह जो ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने में काफी माहिर होते हैं बिजनेस एक्मैन इनका स्ट्रॉन्ग होता है जिनकी यह फिंगर लंबी हो करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है तो यहां तक हमने देखा इनकी फिंगर्स की लंबाई को और आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में गैप्स नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे नॉर्मल फिंगर्स रखने पर यहां पर या आपको इस एरिया में कुछ हल्का गैप नजर आएगा इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहती है थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को चेक करेंगे तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट नजर आ रहा है अगर हम कंपर करें इनके बाकी माउंट से यह इनका गुरु माउंट है काफी अच्छा उभरा हुआ माउंट और स्पेस काफी अच्छी मिल पा रही है शनि माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट है और जो सूर्य माउंट है हल्का सा दोनों माउंट के मुकाबले दबा हुआ और लो सेट है और मरकरी माउंट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लो सेट होता है मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव दे देता है ओवरऑल माउंट्स काफी प्रोमिनेंट है चलिए वन वन सभी माउंट्स की बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु माउंट की यह जो एरिया है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ उठा हुआ इस तरह का माउंट हो तो नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होता है धार्मिक नेचर का होता है और इस माउंट के ऊपर अगर कोई रेखा पहुंच जाए जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर यह एक रेखा आपको कुछ इस तरह से इनकी जो यह रेखा है जिसको माइंड लाइन कहते हैं माइंड लाइन से उठकर ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आ रही होगी इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया गया इस तरह की रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति की प्रोग्रेस यानी कि तरक्की जो है वो निरंतर चलती रहती है ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होने की वजह से सिर्फ अकेली प्रोग्रेस लाइन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों प्रोग्रेस लाइन के साथ साथ तो गुरु माउंट का उभरा हुआ होना जैसा यहां पर नजर आ रहा है और गुरु फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है तो ये क्वालिटीज पर इनके हाथ में नजर आ रही हैं और आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की गुरु माउंट यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है शनि माउंट हल्का सा वीक हो रहा अगर हम कंपेयर करें बृहस्पति माउंट के मुकाबले तो हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ और शनि रेखा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शनि रेखा आप देख सकते हैं यहां पर शनि रेखा इस एरिया तक आती हुई यहां से इस रेखा में थोड़ा सा बदलाव अगर यही रेखा यहां से कंप्लीट इस तरह से ऊपर तक बढ़ जाए तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है इस तरह की स्ट्रेट रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल रहती है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है शनि रेखा जो है एक ओवरलैपिंग शो कर रही है थर्टी सिक्स के आसपास की एज में थर्टी सिक्स के आसपास की एज में लाइफ में चेंजेस आने की संभावनाएं और थर्टी सिक्स के बाद की एज में काफी अच्छी तरक्की इनको लाइफ में देखने को मिल सकती है उससे पहले स्ट्रगल रह सकती है जिसका कारण यहाँ पर इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना भी है जो स्ट्रेस लाइंस इनकी शनि रेखा को टच कर रही हैं तो ओवरऑल 36 की एज के बाद यह रेखा एक्टिवेट होगी जो एक ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है जो इनको काफी अच्छे रिजल्ट देगी आगे, आगे आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को सूर्य माउंट अंदर की तरफ दबता हुआ जिस वजह से नेटिव को फेम और यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं जब यह अमाउंट दब रहा हो तो नेटिव कितना भी दूसरों का भला कर ले कितनी भी हेल्प कर ले दूसरों के बदले में किसी तरह का कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता तो यह चीज तो एक रहेगी लेकिन फेम मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक फिश का साइन नजर आएगा इस तरह से एक फिश का सिंबल जिसका मुख जो है वो इस माउंट की तरफ है सूर्य माउंट की तरफ है फिश का सिंबल सूर्य माउंट की तरफ हो तो 40 की एज के बाद नेटिव को काफी अच्छा फेम मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा जो क्रिएटिविटी को इंडिकेट करती है, आगे चलकर बाई फोर को होती तो डबल क्रिएटिविटी यहाँ पर होती हुई वाई, वाई जैसा सिंबल यहाँ पर बन रहा है इस तरह की रेखा होने से नेटिव मल्टीटास्किंग हो सकता है कि समय पर एक से ज्यादा तरह के काम अपने हाथ में लेने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है तो ये चिन्ह यहाँ पर रहेंगे और इस तरह की जो इनके हाथ में जो यह फिश का सिंबल है इसकी वजह से काफी अच्छी तरक्की इनको लाइफ में देखने को मिलेगी खासतौर पर इस तरह का जो फिश का चिन्ह है व्यक्ति को अकल्ट साइंसिस से भी जोड़ता है क्योंकि जहां या इसी एरिया पर व्यक्ति के अगर क्रॉस का चिन्ह बनाओ यहाँ पर जब यह फिश का साइन बन रहा है तो साथ साथ क्रॉस का चिन्ह भी आपको बनता हुआ नजर आएगा इस तरह का फिश का सिंबल अगर बन रहा हो तो नेटिव का जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट चीजों में भी होता है चीजें जैसे एस्ट्रोलॉजी है पामिस्ट्री है ज्योतिष जैसी चीजें इन सब चीजों के बारे में रुचि रखना इन सब चीजों के बारे में पढ़ना ये भी व्यक्ति का एक रुचि हो सकती है लेकिन यह चिन्ह फेम दिलवाने का काम करता है तो काफी अच्छा फेम ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मिल सकता है आगे आप देख सकते हैं इनके हाथ में बनने वाला इनका जो माउंट है माउंट की अगर बात करें तो थोड़ा सा लो मौजूद हो तो व्यक्ति के भीतर दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी रहती है हीलिंग पावर्स इनको कहते हैं ऐसी क्वालिटीज व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने सलाह से अपने मशवरे से और अपनी किसी भी तरह की हेल्प से दूसरों की दूसरों के दुखों को दूर करने की काबिलियत भी रखता है और यह रेखाएं अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी भी हो सकता है और आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छी हार्ट की लाइन है बिल्कुल इस तरह से एक हल्का सा जो यहाँ पर बाई फोर्क बनता हुआ नजर आ रहा है कंप्लीट फोर्क नहीं है लेकिन हल्का सा बाई फोर्क भी बनता हुआ एक कर्वी लाइन है और बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही है तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इनकी हार्ट की लाइन में लास्ट में चलकर यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कतें नजर आएंगी जैसे यहाँ पर एक आईलैंड का साइन बनता हुआ इस तरह का आईलैंड का चिन्ह अगर बन रहा हो हार्ट की लाइन पर तो लेटर एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है बात करते हैं कि माइंड लाइन की सबसे पहले आप चीज देखें इनकी जो line of life है कुछ इस तरह से चल रही है और माइंड की लाइन कुछ इस तरह से जो एक दूरी शो कर रही है शुरू से ही यहाँ पर एक गैप को शो कर रही है इस तरह का gap indicate करता है कि ऐसा नेटिव छोटी एज से ही इंडिपेंडेंट हो जाता है बचपन से ही ऐसा व्यक्ति अपने डिसीजंस लेने शुरू कर देता है जब यह रेखाएं बहुत ज्यादा जुड़कर ना चल रही हो और ऐसा नेटिव अपने सारे फैसले लेना खुद से लेना और अपनी मनमर्जी से काम करना ऐसी व्यक्ति की नेचर थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है और अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी और लंबी माइंड की लाइन है इस तरह की लंबी माइंड की लाइन होने से व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प रहता है बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी रहती है अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल कंप्लीट यहां पर नहीं हो रहा यह जो दो रेखाएं हैं जैसे माइंड की लाइन और फेट लाइन तो यहां तक पहुंच रही है लेकिन जो मरकरी लाइन है यह है थोड़ा सा मनी ट्रायंगल को खुला छोड़ रही है मनी ट्रायंगल यहां से आपको थोड़ा सा खुला नजर आएगा जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के पास धन आता खूब है लेकिन खर्च हो जाता है धन को करके रख पाने की थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो जाती है लेकिन ओवरऑल धन के लिए इनका हाथ अच्छा नजर आ रहा है उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को काफी अच्छी लेंथ में इनकी लाइफ लाइन और जो लाइफ की लाइन है यहाँ पर इंडिकेट करती है एक लंबी एज को लगभग यहाँ पर 85 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी और लाइफ की लाइन के अंत में जब भी इस तरह से एक फिश जैसा सिंबल बनता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का चिन्ह इस एरिया में जब भी बनता है तो यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं जरूर करता है अपनी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग फॉरन ट्रेवल्स के चांसेस रहते हैं और अचानक धन लाभ लाइफ में होने की संभावनाएं रहती हैं इस तरह के चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हो, थोड़ी बहुत अप्स और की से हो सकते हैं लेकिन चंद्रमाउंट की बात की जाए तो चंद्रमाउंट का जो एरिया है काफी क्लियर है लेकिन यहां पर ऐसी आड़ी रेखा होने से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और एडिक्शन की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है ओवरऑल इनका मून माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है और माइंड लाइन लंबी है मून माउंट तक पहुंच रही है तो थोड़ी ओवर इमेजिनेशन इनकी रह सकती है वीनस की अगर बात की जाए माउंट की अगर बात की जाए तो काफी क्लियर वीनस माउंट एक अच्छा माउंट यहां पर नजर आ रहा है, वरी नहीं है। इस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं और फैमिली का सुख ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है तो यह कुछ अनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक वीडियो के थ्रू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद